हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ पंकज धीमान, फैकल्टी मेंबर ऑफ SBS लॉ कॉलेज श्रीगंगानगर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेकंड। तो कॉन्ट्रैक्ट सेकंड को हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कॉन्ट्रैक्ट सेकंड एक्ट के अंडर हम पढ़ रहे हैं द सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930। तो सेल्स ऑफ गुड 1930 एक्ट के अंडर हमारे पास एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, जिसको हम डिस्कस करेंगे आज। डिस्कस द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर अगेंस्ट द गुड्स इन द लाइट ऑफ द डिसाइडेड केसेस। व्हाट आर द राइट्स ऑफ द अनपेड सेलर। तो सबसे पहले देखते हैं ये अनपेड सेलर होता कौन है। अनपेड सेलर वो है जिसको अपनी गुड का अभी तक प्राइस जो है वो बायर से नहीं मिला है। आपको पता है गुड्स की सेलिंग और परचेजिंग जो है ऑन क्रेडिट, ऑन उधार भी हो सकती है। ये किसी में भी है कि आप कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं, उसकी पेमेंट आप बाद में भी कर सकते हैं। इट मीन्स कि उधार पे भी कोई चीज़ को खरीदा जा सकता है। लेकिन अगर आपको अपना जो गुड्स का अमाउंट है अभी तक नहीं दिया गया है, या हाफ ऑफ द अमाउंट ही अभी आपको दिया गया है और हाफ ऑफ द अमाउंट अभी तक आपको नहीं दिया गया है, तो उस कंडीशन में आप बन जाते हैं अनपेड सेलर। और अनपेड सेलर को सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 के अंडर बड़े सारे राइट्स यहाँ पे मिलते हैं, उन्हीं को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इट इज़ अ कॉमन थिंग्स दैट द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ द गुड्स दैट इज़ द ड्यूटी ऑफ द सेलर टू डिलीवर द गुड्स सोल्ड टू द बायर एंड द ड्यूटी ऑफ द बायर टू मेक द पेमेंट ऑफ द गुड्स। द सेल्स ऑफ गुड एक्ट के अंडर अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये सेलर की ड्यूटी है कि वो गुड को डिलीवर करे बायर को, और बायर की ड्यूटी यहाँ पे बनती है कि वो सेलर को उसकी पेमेंट करे। व्हेन दीज बोथ ट्रांजैक्शंस आर कंप्लीटेड द कॉन्ट्रैक्ट इज डीम्ड टू हैव बीन कंप्लीटेड एंड अनडिस्प्यूटेड। अगर ये दोनों चीज़ें हो जाती हैं तो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट माना जाता है और कोई भी वहाँ पे डिस्प्यूट भी क्रिएट नहीं होता है। लेकिन वन ऑफ द पार्टीज़ अगर वो अपने जो कॉन्ट्रैक्ट को पूरा नहीं करती हैं, अपनी परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती हैं, या कोई कंडीशन वहाँ पे पूरी नहीं करती हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पे मान लीजिए कि सेलर को उसका अभी तक अमाउंट वापस नहीं मिलता है, तो उस कंडीशन में वो सेलर बन जाता है अनपेड सेलर और उसको बड़े सारे राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं। डेफिनेशन दी गई है यहाँ पे कि अनपेड सेलर कौन होगा। तो अनपेड सेलर की डेफिनेशन देखिए, सेक्शन 45 ऑफ द एक्ट सेल्स ऑफ गुड एक्ट 1930 डिफाइंस द अनपेड सेलर। देखिए, व्हेन द होल ऑफ द प्राइस हैज़ नॉट बीन पेड टू द टेंडर, तो जब उस चीज़ का पूरा प्राइस अभी तक सेलर को नहीं मिला है। व्हेन बिल ऑफ एक्सचेंज और अदर नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हैज़ बीन रिसीव्ड, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज यहाँ पे उसको दिया गया है, कंडीशन थी वहाँ पे देने की, लेकिन वो डिसऑनर हो जाता है। कई बार आप चेक लेके जाते हैं ना, और वो चेक जो है डिसऑनर बाउंस हो जाता है, उसकी पेमेंट नहीं हो पाती है, तो इस कंडीशन में ये माना जाएगा कि वो अनपेड सेलर है। तो ऊपर वाले डेफिनेशन से यही क्लियर होता है। तो अनपेड सेलर कौन होगा, हु इज़ नॉट रिसीव द होल प्राइस ऑफ द गुड, जिसको अभी तक अपनी उस गुड्स का पूरा प्राइस नहीं मिला है, हु हैज़ नॉट टेंडर्ड द प्राइस ऑफ द गुड, जिसको अभी तक उस गुड का कोई भी प्राइस टेंडर्ड नहीं हुआ है, हु हैज़ रिसीव्ड द प्राइस ऑफ गुड्स, उसको जो उस गुड का प्राइस जो है वो रिसीव्ड हुआ बाय नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जैसे चेक के थ्रू या किसी अदर इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, लेकिन वो डिसऑनर हो गया, तो इस कंडीशन में ये माना जाएगा कि वो अनपेड सेलर है। गोल्डस्मिथ के केसेस में यही बोला गया कि उसको अमाउंट अपना पूरा नहीं मिला है, चाहे वो उसको नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के थ्रू देना था या किसी नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कैश देना था, अगर उसको नहीं मिला है तो अनपेड सेलर मान लिया जाएगा। गिरधारी लाल वर्सेस जेठमल के केसेस में यही बोला गया है कि अगर जो ब्रोकर और कमीशन एजेंट के बीच में वो कॉन्ट्रैक्ट होता है तो पेमेंट यहाँ पे नहीं की जाती है, तो वो ब्रोकर जो है वो क्या बन जाएगा, अनपेड सेलर यहाँ पे बन जाएगा। तो अब यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है कि राइट्स क्या हैं अनपेड सेलर के। तो सेक्शन 46 जो है राइट बताता है अनपेड सेलर के, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट उसके पास राइट टू लीन। राइट टू लीन का मतलब कि वो अगर उसको किसी भी गुड्स का अभी तक फुल प्राइस जो है नहीं मिला है, तो वो उस चीज़ को रोक सकता है उसको डिलीवर करने से, अगर रोक सकता है। अगर उसने उस चीज़ को ऑलरेडी डिलीवर कर दिया है तो वो तो बात अलग होगी, लेकिन अभी तक उसने कुछ चीज़ें डिलीवर की हैं उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, और कुछ चीज़ें जो है उसने अभी तक उस कॉन्ट्रैक्ट के अंडर डिलीवर नहीं की हैं, तो जो अभी तक उसने डिलीवर नहीं की हैं वो तब तक डिलीवर नहीं करेगा जब तक उसको अपना उस गुड्स का प्राइस नहीं मिल जाएगा। इसी को बोलते हैं राइट ऑफ लीन। तो सेक्शन 46 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए ऑफ दैट सेज दैट द अनपेड सेलर हैज़ अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड, तो वो उस गुड्स के पोजेशन को रिटेन कर सकता है, इसी को राइट ऑफ लीन बोलते हैं। अंटिल द पेमेंट ऑफ प्राइस लीन इज द फर्स्ट राइट टू अनपेड, सबसे पहला राइट के पास ही है कि वो उस चीज़ की डिलीवरी को रोक सकता है कि अगर अब तक उसका अमाउंट अगर उसको नहीं मिला है। प्रोविजन विद रिगार्ड द लीन हैव ऑल्सो बीन मेड अंडर द सेक्शन 47 में भी इसके बारे में बताया गया है। लीन इज द फर्स्ट राइट ऑफ द अनपेड सेलर, अकॉर्डिंग टू इट द अनपेड सेलर ऑफ द गुड हु इज इन पोजेशन ऑफ देम इज इंटाइटल्ड टू द रिटेन पोजेशन ऑफ देम
until payment of the tender of the price of the following cases, namely the goods have been sold without any stipulation credit. कोई भी चीज़ जो है sold की गई तो condition वहाँ पर कोई नहीं लगाई गई थी. The good have been sold on credit, उधार पर दी गई थी, but term of the credit has been expired. लेकिन उधार देने वापस करने की वो जो condition दी हुआ वो ख़त्म हो चुकी है या फिर buyer जो है insolvent हो चुका है, तो इन सभी condition में उसके पास right आ जाता है उस goods का retain करने का, possession retain करने का, जब तक उसकी payment नहीं हो जाती. Thus it is clear that the seller may retain the possession of the good title if the goods not obtain the payment of the price or is tendered to the payment. जब तक अभी तक उस गुड की उसको प्राइस अगर उसको नहीं मिली है या फिर उसको टेंडर्ड नहीं हुई है. Also according to the Benjamin, the right of lien can be used till the payment of price is due and the payment of that has been made. तो यहाँ पे आप किसी चीज़ की डिलीवरी को इस पर्पज से भी रोक सकते हैं जब तक कि आपकी उसकी पेमेंट जो है आप उसको नहीं कर देते हैं, क्योंकि आप क्या बन जाते हैं, अनपेड सेलर वहाँ पे बन जाते हैं. इजेंशियल कंडीशन क्या है, राइट ऑफ लीन आपको मिलता कब है, तो आपको ये राइट तब मिलता है जब राइट ऑफ लीन कैन ऑनली बी यूज व्हेन द गुड्स आर इन पोजेशन. तो राइट ऑफ लीन का राइट आप तभी यूज़ कर सकते हैं ना जब आपके पास जो गुड्स आपने बायर को परचेज की हैं उसका कुछ पोजेशन अभी तक आपके पास ही है. जैसे मान लिया आपने 10 बोरे जो है आटे के देने थे, 5 तो आपने डिलीवर कर दिए हैं और उसने आधी पेमेंट कर दी है, लेकिन 5 अभी तक आपके पोजेशन में है और आप पेमेंट मांग रहे हैं, उसके बाद आप उनको डिलीवर करेंगे, पेमेंट अभी आपको आ नहीं रही, तो आप उसका लीन जो है कर सकते हैं. तो आपको ये राइट तभी मिलता है जब आपके पास गुड्स अभी पोजेशन में हैं. द प्रॉपर्टी इन गुड हैज़ ट्रांसफर टू द बायर, या फिर आपको ये तब भी मिलता है जब आपने उस चीज़ को बायर को ट्रांसफ़र कर दिया है. The price of the goods to the seller has not been paid. या फिर आपको ये राइट तब मिलता है जब आपके उस गुड्स का प्राइस अभी तक आपको पेड नहीं किया गया है. वे द पार्ट डिलीवरी ऑफ द गुड हैव बीन मेड, जहाँ पे पार्ट डिलीवरी ऑफ गुड जो आपने दे दी है और पार्ट डिलीवरी आपके पास है, वहाँ पे राइट ऑफ लीन जो है यूज़ होता है. देखिए तो आपका ये राइट जो है राइट ऑफ लीन का, ये कब टर्मिनेट हो जाता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो सेक्शन 49 देता है, बताता है कि बायर सेलर का ये राइट है ना जो टर्म राइट ऑफ लीन का, ये टर्मिनेट भी हो जाता है. ये किस कंडीशन में होता है, व्हेन द डिलीवर्स अ गुड टू द कैरियर और अदर बेली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रांसमिशन टू द बेलर, जब आपने उन चीज़ों को डिलीवर कर दिया था किसी अदर पर्सन को ताकि वो उन चीज़ों को बायर को ट्रांसमिट कर सके. सेकंड, विदाउट रिजर्विंग द, और उसने अपने पास कोई राइट भी नहीं रखा था, कोई लीन का राइट उसने अपने पास नहीं रखा था, तो ये उसका राइट नहीं बनता है. व्हेन द बायर और हिज एजेंट लॉफुल ऑब्टेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, तो जब आपने उन चीज़ों का पोजेशन बायर को दे दिया है तो आपके पास वे लीन का राइट कैसे बनेगा, क्योंकि आपने सारी चीज़ें ऑलरेडी दे दी हैं. तो आपके पास राइट रहता है कि आप कोर्ट में जाकर केस फाइल कर सकते हैं. व्हेन ही वेव्स हिज राइट, जब खुद ही यहाँ पे सेलर जो है अपने उस राइट को वेव कर देता है, छोड़ देता है, तो इस कंडीशन में उसका लीन का राइट ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है. ठीक है जी, तो अब आपके पास सेकंड यहाँ पे है, राइट टू ट्रांस स्टॉपेज द ट्रांसमिट. अगर उस चीज़ों की डिलीवरी आपने कर दी है और अभी वो रास्ते में ही है और अगर आपको अभी तक पेमेंट नहीं मिली है तो आप उसको जो है रास्ते में उनको स्टॉपेज कर, ट्रांजैक्शन को जो आप स्टॉप कर सकते हैं, ये भी अनपेड सेलर का राइट है. आपने कोई चीज़ जो है डिलीवर कर दी है, वो आपने ट्रक में आटे की बोरियां जो है ला दी हैं, वो जा रही हैं, आपने उसको फ़ोन किया कि आप मुझे पेमेंट कर दीजिए, वो पेमेंट अभी आपको नहीं कर रहा है, तो आप रास्ते में उस ट्रक को रोक सकते हैं. इसी को बोलते हैं राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट. द सेकेंड इंपॉर्टेंट राइट ऑफ अनपेड सेलर इज राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट. एन अनपेड सेलर कैन स्टॉप द गुड्स इन ट्रांजिट अंटिल, तो उसको ये राइट कब मिलता है, द बायर डज नॉट मेक द पेमेंट, उसने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की है, बायर इंसॉल्वेंट हो जाता है, या फिर प्रॉपर्टी इन गुड्स हैज़ बीन ट्रांसफर टू द बायर, जो अगर वो चीज़ जो है ट्रांसफ़र की जा चुकी है, जो है मतलब उसकी उसको भेज दिया गया है, अभी तक उसके पास पहुंची नहीं है लेकिन उसको ट्रांसफ़र कर दी गई है. द गुड्स हैव मूव्ड आउट ऑफ द पोजेशन ऑफ द सेलर, सेलर के पोजेशन से वो गुड जो है मूव हो चुकी है. द गुड आर इन द ट्रांजिट, और गुड अभी ट्रांजिट में ही है, रास्ते में ही है. बायर हैज़ नॉट ऑब्टेन द पोजेशन, अभी तक बायर को उसका पोजेशन नहीं मिला है. इन सभी सिचुएशन में जो है अनपेड सेलर का ये राइट बन जाता है कि वो उसकी स्टॉपेज जो है इन ट्रांजिट कर दे. तीसरा आपके पास यहाँ पे राइट है द राइट टू रीसेल. तो सबसे अगर आपके पास राइट टू लीन का राइट है, राइट टू स्टॉपेज इन ट्रांजिट है, तो तीसरा राइट आपका बनता है रीसेल का बनता है. तो अगर आपने उसको बोला था कि आप पेमेंट जो इतने टाइम के अंदर कर दीजिए, अभी तक उसने पेमेंट नहीं की है, तो जो गुड्स आपके अभी पोजेशन में ही हैं आप उनको रीसेल भी कर सकते हैं. लेकिन आपको यहाँ पे एक टाइम देना पड़ेगा उस चीज़ को, पहले उस ओरिजिनल बायर को परचेज करने के लिए. द थर्ड इंपॉर्टेंट राइट ऑफ एन अनपेड सेलर इज द राइट टू रीसेल द गुड्स. सेक्शन 54 क्लॉज 2 ऑफ द एक्ट प्रोवाइड्स दैट वेयर द गुड्स
आर ओ पेरिशेबल नेचर, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पेरिशेबल नेचर की गुड्स होने चाहिए, देयर द अनपेड सैलरी अलॉन्ग विद द राइट ऑफ लीन राइट टू स्टॉप इन ट्रांजिट कैन ऑल्सो गिव द नोटिस टू द बायर टू रीसेल द गुड्स। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट राइट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वो चीज़ों को रीसेल भी कर सकता है, लेकिन कंडीशन क्या है कि उसका नोटिस उसने जो है उस बायर को कर दिया, और वो चीज़ें जो गुड्स है वो पेरिशेबल नेचर की होनी चाहिए। पेरिशेबल नेचर की गुड्स क्या होती हैं, जिन वो जो ख़राब हो सकती हैं, जैसे मान लीजिए आम का एक ट्रक था, आम के ट्रक की डिलीवरी आपने किसी बायर को करनी थी, तो वो उसकी पेमेंट नहीं कर रहा है और वहाँ पे आम धीरे धीरे ख़राब हो जाएंगे, आपको पता है ये पेरिशेबल नेचर सड़ जाएंगे, तो वो उसको नोटिस कर देगा कि इतने दो दिनों के अंदर पेमेंट कर दो, नहीं तो उसके बाद मैं चीज़ को रीसेल कर दूंगा। तो नोटिस देना ज़रूरी है, क्योंकि अगर वो दो दिनों के अंदर पेमेंट कर देता है तो वो आम उसको मिल जाएंगे, क्योंकि वो पेरिशेबल नेचर है, अगर वो ज़्यादा टाइम उनको अपने पास रखे तो वो ख़राब हो जाएंगे, तो सेलर को यहाँ पर नुकसान हो सकता है। तो इस कंडीशन में पेरिशेबल नेचर की अगर गुड उसके पास है और आफ्टर गिविंग नोटिस टू द ओरिजिनल बायर, वो उन चीज़ों को सेल भी कर सकता है। तो यही राइट जो है अनपेड सैलर के यहाँ पे राइट ऑफ अनपेड सैलर, यहाँ पे राइट टू लीन है, राइट टू स्टॉपेज इन द ट्रांजिट, और तीसरा जो है रीसेल का राइट उसका बनता है जब उसके उस गुड्स का फुल अमाउंट उसको प्राइस उसको नहीं मिलता है, या हाफ ऑफ द पॉइंट अमाउंट उसको दे दिया गया लेकिन हाफ ऑफ द अमाउंट आप तो उसको नहीं मिला है, या फिर उसको पेमेंट की गई है थ्रू नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के थ्रू किसी चेक के थ्रू, लेकिन वो चेक जो है डिसऑनर हो जाता है, या फिर वो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जो है वो डिसऑनर हो जाता है, तो इस कंडीशन में उसको अनपेड सैलर जो है माना जाता है। थैंक यू सो मच।